अरे सुनो, कौन हो तुम लोग और ये मुंगी की दवाई क्यों खा रहे हो? कौन से एरिया से हो तुम लोग? अरे बेटा सुनो, उठो उठो बेटा। ए, कल मैंने इसे बाल कटवाने के लिए कहा था, तुमने बोला नहीं क्या? तुरंत करना है क्या जी? रविवार को छुट्टी है ना, तब करने को बोलती हूँ। तुम्हें बोलना चाहिए, बच्चे को पाल रही हो तुम, इसे कोई और नहीं पाल रहा है। जरा दिखाओ। ए, पढ़ाई करने की उम्र में इतने लंबे बाल क्यों कर रखे? कितने बड़े बाल हो गए हैं देखो। पढ़ने वाले बच्चे को दिमाग बढ़ाना चाहिए, बाल को नहीं बढ़ाना चाहिए। छोड़ो माँ, एक काम करो, पूरा टकलाई कर दो मुझे, हटो माँ। अपना यह गुस्सा पढ़ाई में दिखाओ। मम्मी जल्दी टिफिन लाओ, टाइम हो रहा है। माँ सुनो बेटी, नाश्ता किया क्या? नहीं पापा, टाइम हो रहा है। मेरी लाडली, अगर ब्रेकफास्ट को अवॉइड करोगी तो बहुत जल्दी बॉडी ब्रेकडाउन हो जाएगी। ये लो बेटा, सिर्फ दो निवाले खा। पापा टाइम नहीं है पापा। ये लो, रोज का इसका यही काम है, सुबह ये कुछ भी नहीं खाती है। ये लो पापा, बस हो गया पापा। अरे थोड़ा सा खा लो। अच्छा संभल के जाना। तेरी तो मुझे मारा क्यों? छोड़ मुझे। आइडिया ये क्या कर रहा है? सर आ गए। स्टूडेंट हो या गुंडे मावाली? सिट डाउन। ए तुम दोनों खड़े हो जाओ। तो लड़ाई क्यों कर रहे थे? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, क्लास में यही सबको परेशान कर रहा था। नहीं सर, झगड़ा इसने ही शुरू किया। ये कोई रीजन है क्या? गेट आउट, बोथ ऑफ यू गेट आउट। जाओ घुटने के बल बैठो, तभी तुम्हें अकल आएगी। होमवर्क पूरा किया तुम सबने? हाँ किया है सर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा दो दिन से आप स्कूल में क्यों नहीं आई थी? हाँ घर में फंक्शन था ना, इसीलिए दो दिन से गांव में ही थी। दो दिन आप स्कूल नहीं आई थी ना, तो स्कूल में रौनक ही नहीं लग रही थी। ये उधर देखना, बॉटनी टीचर के साथ केमिस्ट्री टीचर कैसे फ्लर्ट कर रहा है। चलो इनका मजाक उड़ाते हैं। पिंक साड़ी में ना बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, इधर कुछ लगा हुआ है। कहाँ चिपका है? हाँ सर। अब हाँ सर, चला गया सर। थैंक यू फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन। वेलकम सर। इट्स ओके। 100-200 रुपए ही है यार, हम दोनों ने होमवर्क नहीं किया है। अंदर होते तो 200 फाइन भरना पड़ता, अभी तो हम लोग बच गए हैं। ओके ना? हाँ यार। हेलो एक्सक्यूज मी। अरे शक्ल तो देख इसकी। अच्छा बड़ी विश्व सुंदरी हो क्या? ये ले तेरा रोज। थैंक यू। आ जाओ जाओ। वो तीन लड़कियां इधर ही आ रही हैं, अगर हमें इस तरह देखा तो क्या होगा? यार जो भी होगा वो हम फेस करेंगे। देखना यार, वो हमें देखते ही कैसे सीन क्रिएट कर रहे हैं। इन लोगों का यही काम है। अच्छा ये बताओ, मेरी बॉडी अच्छी दिख रही है ना? देख रहे हैं क्या? अरे यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, घर पे नहीं गए? हे कार्तिक, हम लोग बियर पीने जा रहे हैं, तू आ रहा है क्या? बियर पीने से बॉडी बढ़ती है क्या यार? हे जरा इसे देखना, बियर पी के ही इसने बॉडी बनाई है। बियर पीने का मन तो कर रहा है लेकिन मैं घर पे फंस जाऊंगा ना। hey, इसके लिए भी हमारे पास आइडिया है। अमरूद का पत्ता मुंह में डालकर चबाने के बाद स्मेल नहीं आएगा भाई। ए, तुम लोग मुझे घर पे फंसा मत देना। हाँ
अरे सच में यार, मैंने अपने बाप अलगू अपन को बहुत बार हलवा दिया है। फिर तो ओके है यार, सुपर यार, चल चलते हैं। जाने की बात छोड़ ना यार, उससे पहले तू उस डील के लिए तैयार है क्या? नेक्स्ट पार्टी तुझे देनी पड़ेगी। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ट्यूशन खत्म हो गया, अब तक घर नहीं गए? चलो जाओ। ए गुरु, सच में बियर पीने से बॉडी बढ़ेगी क्या? सुनो, तुम्हारे बेटे का ट्यूशन का टाइम तो खत्म हो गया। हमेशा 7 बजे तक आ जाता है, पता नहीं आज क्यों इतनी देर हो गई। हाँ, राजा साहब आ गए, जाओ दरवाजा खोल दो। ए कार्तिक, गड़बड़ मत करना, एकदम स्टेडी रहना। इतना लेट कैसे हो गया? माँ, साइकिल का टायर पंचर हो गया था। रुको, अजीब सा क्यों दिख रहा है और पसीना क्यों आ रहा है तुझे? माँ, साइकिल को पैदल लेकर आया ना, इसलिए ऐसा है। क्या हो गया है इसे? बाप रे, ये भी ड्यूटी के लिए निकलने वाले हैं, जूते पता नहीं कहाँ रख दिए। अरे रे खतरा, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। आज इसमें भक्ति कहाँ से आ गई है? अगले महीने से आपके बेटे को गुरु देख रहा है, उसके बाद देखना आप अपने बेटे के अंदर के बदलाव को। कोई बात नहीं, लगता है गुरु ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हे भगवान, बाप रे, कल स्कूल क्यों नहीं आया? देखने गया था। तूने होमवर्क कर लिया क्या? हमेशा की तरह गालियां खाना है। मैंने भी नहीं किया यार। अरे सुनो सर, क्लास में जाने के बजाय इधर क्यों घूम रहे हो? बाथरूम जा रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, राघवन सर से कहना कि वेंकटेश सर ने आपको बुलाया है। इन्होंने क्या बोला था? वेंकटाचलापति। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? बेटा क्या चाहिए तुम्हें? सर, आपको बुलाया है सर। किसने? नहीं सर, कहने के लिए बुला है सर। अरे रे, कंफ्यूज कर रहा है, किसने बुलाया है, क्या बोलने के लिए भेजा है? सर, सर ने बोलने बोला है, नहीं आने के लिए बोला है सर। अरे रे, बार बार एक ही बात कह रहा है, जा यहाँ से, जा पहले पूछ करा। अरे यार, क्या बोला था, मैं तो भूल ही गया। किसने क्या बोला था? नेल्सन मंडेला। अब मैं समझ गया, तू तांत्रिक के मुर्गे की तरह इधर उधर क्यों घूम रहा है। अरे यार, अरे रे, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करेगा सोचा था, ये तो फूल चुनने बैठ गया। कोई भी छीकेगा नहीं, तुम लोगों में से अगर किसी ने छीका ना।
चला गया, ठीक है अब पढ़ाई करो। आज मैं कंब रामायण के बारे में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। हाँ, कंब रामायण को कंबर जी ने बड़े साफ साफ सुंदर और समझा कर लिखा है, वैसे ही मैं भी समझा कर तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, समझ गए? हाँ। अबे उल्लू के पट्टे, क्यों रे मैं यहाँ गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ और तू सो रहा है? मैं क्या लोरी सुना रहा हूँ? चल उठ जा, मैंने उठने के लिए कहा, तुझे मेरी क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। तू ऐसे पढ़ेगा क्या? देखा ना, गणेश पेरुमल के अलावा सब लोग लेटे हुए हैं। क्यों बेटा गणेश पेरुमल, तुझे कोई डाउट है तो पूछ ले मुझसे। हाँ? अरे बेटा गणेश पेरुमल सुन बेटा, अरे मैं तेरे से बोल रहा हूँ। मास्टर जी, अरे पापी तू खुली आंखों से सो रहा है क्या? अरे मैं तो तेरी तारीफ कर रहा था। नहीं था। अच्छा मैंने अभी क्या पढ़ाया बता, ए जल्दी बता। कंबर रामायण के बारे में। वेरी गुड, उसे किसने लिखा है? कंबर, कंबर। अकबर। हाँ अकबर। अबे कंबर बोल। कंबर। वेरी गुड, अब कंब रामायण में से कोई एक गाना सुनाओ। सुनाओ। हाँ अच्छा अच्छा सुनाओ। जब मैं घर से स्कूल आता हूँ तो मुझे एक लड़की दिखती है, उस लड़की से मैं बात करना चाहता हूँ लेकिन वो लड़की मुझे भाव नहीं देती है। सर मैं कैसे बात करूँ, क्या करूँ, सारे जतन कर लेता हूँ लेकिन वो लड़की मुझे भाव नहीं देती, मैं कैसे बात करूँ? ये तो कमाल कर रहा है, ये गाना तो मुझे भी पता नहीं है। कहीं ये लड़के अर्थ न पूछ ले। ठीक है संभालता हूँ। ठीक है तू बैठ जा भाई। इसने भगवान का गाना ठीक से सुनाया ना, फिर हंस क्यों रहे हो? लड़कियों को पटाने के लिए आशिकी वाले गाने हैं। लड़कियों को पटाने वाला गाना है? तूने मुझे बेवकूफ बनाया। उसने घंटी बजा दी। रुक जा कल मैं आकर तुझे बताता हूँ। इसने मुझे लड़कियों का गाना सुनाकर बेवकूफ बनाया। हेलो हेलो हेलो, जा है, तुम अकेले क्यों हंस रही हो? फ्रेंड ने सब गलत लिख रखा है इसलिए। आज क्या हुआ है इसे, क्यों इस तरह की हरकतें कर रही है? हाय हाय। और खाना खा लिया क्या? हाँ खा लिया। हाँ मैंने खाना खा लिया। क्या खाया? हाँ तुम्हारी माँ ने डोसा बनाया, मैंने वही खाया है बेटा। अरे रे पापा, इतनी देर से मैं इनके साथ ये बात क्या कर रहा चल रहा है? ये किससे बातें कर रहा था? हाँ आज के मैच में डाउट है क्या इसमें? हम लोग जीत कर उसे दौड़ाते हैं। जो स्पेस बॉलिंग डालते हैं ना उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। तो सही है। कैसा भी मैच जीत जाएंगे। जीतने के बाद क्या प्लान है? मैच का पैसा लेकर हम सब क्लेवर की फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे और धमाल मचाएंगे। तेरी बॉलिंग को लेकर सब डर रहे हैं लेकिन तू उनके छक्के छुड़ा देना। क्यों तू क्या कहता है? हाँ ये क्या, हाँ ये तो पहले ही आउट हो चुका है। क्या यार लड़की को देखते ही गेम क्लोज कर दिया। क्या करे यार। अरे गेम को ही नहीं गैंग को भी खत्म कर देती हैं। कोई बात नहीं यार नेक्स्ट मैच में देखते हैं। हेलो हेलो
हेलो एक्सक्यूज मी, आपको ही। हे एक मिनट, मैं पागल हूँ या तुम पागल हो? फिर ऐसा क्यों कर रही हो? जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे क्या हुआ है क्या नहीं कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन मन के अंदर कुछ तो चल रहा है। वो क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वो शायद आई थिंक ये मुझे लगता है कि लव लग रहा है। हेलो ए कार्तिक, आज तेरी पार्टी है, कब तक आ रहा है? क्या पार्टी? क्या कहा, कौन सी पार्टी? एक बियर के बदले तूने दो बियर पिए, तुझे याद नहीं है क्या? ए तू कैसा फ्रेंड है यार, चप्पल से मारूंगा। गुंडे मावाली की तरह घूम रहा है, तू कोई फ्रेंड है क्या रे? किसका बेटा है तू? अरे आप उसके पापा बोल रहे हैं क्या? ए फोन रख दे यार। तू अच्छा नाम कमाएगा। क्या हुआ जी? तुम्हारा बेटा आजकल उधारी में ड्रिंक पी रहा है। क्या बेटा, मैंने फ्रिज में तेरे लिए सब कुछ रखा है ना, फिर तू क्यों उधारी कर रहा है? अरे पागल कहीं की, ड्रिंक्स मतलब बियर ब्रांडी। बाप रे बाप, मासूमियत ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं है, दूध पी रहा है देखो। माँ वो लोग मुझे जानबूझकर फंसा रहे हैं, तुम उनकी बातों का विश्वास मत करो। सुनिए, बच्चों ने मस्ती मजाक के लिए किया होगा। तुम उसकी बात का विश्वास करो? जिस दिन मैंने तुझे अपनी आँख से देख लिया ना, उस दिन बताऊंगा तुझे। जस्ट मैं बच गया। छोड़ो, कल बीच पे जाते हैं क्या? बोलो मेरी जान। बीच? अगर घर वालों को पता चल गया तो? अरे जब भी देखो कोई ना कोई बहाना बनाती, अभी चलो जाते हैं। अरे यार ए, ये मेरे पापा की फ्रेंड है, वॉकिंग करके गए। ए चलो ना। हे रुक जाओ यार, उनको जाने दो फिर हम लोग जाते हैं। जब देखो कुछ ना कुछ चबाती रहती हो। वो बीच मैटर ये कहाँ जा रहा है? तुमने जो चबा कर फेंका है ना, उसको मैं अपनी आंखों की तरह संभाल कर रखूंगा। अरे आहा, क्या कविता है, मार्वेलस। थैंक यू। मारू hey. तुम्हें, सीन क्रिएट मत करो, चलो चले। ये लो पकड़ो। चलो अरे महा क्या हुआ तुम्हें? अरे बाप रे, कितना सारा ब्लड निकल रहा है, देखकर नहीं चल सकती क्या? ये पनौती है ना, मेरी गर्लफ्रेंड का ही पैर मिला के चुभने के लिए। तेरा क्या हश्र करता हूँ देखो, देख। ए, ए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कहीं हाथ में ना लग जाए, सीन मत करो प्लीज। कार्तिक मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मेरा प्यार सच्चा है, ये कोई सीन नहीं है ये दिखाने के लिए। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। मजाक में भी मेरे प्यार को सीन मत बोलना महा, मेरे प्यार पर कभी शक मत करना, तुम्हारी बिना मैं मर जाऊंगा महा। दर्द हो रहा है क्या? ये दर्द नहीं हो रहा है, तुमने प्यार को सीन बोला ना वो दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा। सॉरी कार्तिक, प्लीज यार प्लीज, सॉरी कार्तिक, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, ठीक है? मुस्कुराओ ना, देखो थोड़ा स्माइल करो, चले अब। सुनिए सुनिए, सॉरी बेटा, तुम्हारी परमिशन के बिना मैंने तुम्हारे रूम को चेक किया। तुम्हारे बारे में मेरे फ्रेंड ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार कंप्लेंट की है, इसलिए पापा ने तुम्हारे रूम को चेक किया। इकलौती बेटी है, ये सोचकर सर पर मत ना चाहिए। देखिए आपका नाम रोशन करके आपको इनाम देगी। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी कि नहीं? तुम कोई लाश नहीं हो बेटी, इस उम्र में जो हर किसी को होता है वो इन्फेक्शन ही है।
लेकिन इन सब को साइड में करके मेरी बेटी जिंदगी में जीत हासिल करेगी, ये मुझे विश्वास है बेटी। पापा के विश्वास को तुम तोड़ोगी तो नहीं ना? अंदर जाओ बेटी। बेटी, पापा की जान सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। आपके घर में आकर आपके बेटे के बारे में कमियां बता रहा हूं, ये सोचकर गुस्सा मत कीजिएगा सर। आपकी हालत में समझ रहा हूं सर, क्या बात कर सकते हैं। बेटे को जन्म देने वाला बाप ये बात सुनकर बहुत दुखी हो रहा है। आप लड़की के पिता समझ सकता हूं। 13 साल से लेकर 19 साल के बीच में बच्चों को पालने के लिए पेट में अंगारे बांध के रहना पड़ता है सर। माँ बूस्ट दो माँ। अरे ये तो बूस्ट मांग रहा है। माँ ये अंकल कौन है? बाप रे, ये जानबूझ के पूछ रहा है या अनजाने में पूछ रहा है? सभी ना अपने पहचान के ही हैं। तो मैं चलता हूँ सर। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं समझाता हूँ। ये महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी ये कौन है माँ? तू मुझसे नाटक कर रहा है तेरी तो? अरे रुक जा, बताता हूँ तुझे। बेटा ए, भाग जा, घर आएगा तो जान से मार दूंगा। इस किताब में कुछ तो लिख रखा है, तुमने जो चबाकर थूका था उसे मैंने संभाल कर रखा हुआ है, देख रही हो? उस लड़की ने जो चुंगम खाकर थूक दिया था ना, उसे ये संभाल करके रख रहे हैं। उसे चिपका कर कविता लिखी, देखा इसे? आई लव यू। अब ये पढ़ाई चल रही है इनकी। ओहो। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हाँ ये देखो, जब हम पढ़ते थे तो मोर का पंख रखा करते थे, और तुम्हारा बेटा उस लड़की के बाल रख रहा है। अब वो घर के अंदर आया ना तो उसकी खैर नहीं। सुनिए, महा मुझसे बात करो। महा तुम्हारे और मेरे पापा पागल हैं, वो लोग जो बोल रहे वो मत सुनो। महा बात करो, महा तुम्हें देखे बिना तुमसे बातें किए बिना क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज प्लीज बात करो महा, प्लीज मुझसे बात करो महा। जा रही हो क्या? जाओ, कसम से अगर तुम चाहोगी तब भी मुझे देख नहीं पाओगी, मैं मर जाऊंगा। तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं सच में मर जाऊंगा। मैं भी मर जाऊंगी। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ कि उसे सही समय पर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, वरना उसे बचाना मुश्किल हो जाता। कंप्लीट रिकवरी के बाद ही आप उसे यहाँ से डिस्चार्ज करा सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर। हमारे पुरखों ने जो पुण्य किए, जो हम सही समय पर यहाँ गए, उसी पुण्य का प्रताप है कि हम सही समय पर आ गए। आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैंने इसे भर्ती नहीं किया, उन्होंने भर्ती किया है। अगर धन्यवाद कहना है तो उन्हें कहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पापा। बेटी बेटी, ये सब क्या किया तुमने? क्या बेटी, तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? सॉरी पापा। रो मत बेटी, तुम हवा में उड़ने वाली पतंग जैसी हो। पापा ने अगर धागा छोड़ दिया तो तुम दिशा भटक जाओगे बेटी। अगर मैं नहीं रहूंगी तो वो मर जाएगा पापा। पापा प्यार के दुश्मन नहीं है, बस ये कह रहा हूँ कि ये प्यार करने की उम्र नहीं है। समझने की कोशिश करो, पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी बेटी। मैं आपकी बेटी हूँ पापा, अच्छी तरह से पढ़ाई करके मैं अच्छा मुकाम हासिल करूंगी।
विश्वास कीजिए पापा। ठीक है बेटी, लेकिन पापा जो बोलते हैं वो तुमको करना होगा। आज के बाद तुम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाओगी, मुझे ये वचन दो। माँ कहाँ है पापा? दवाई लेने गई है बेटी। सर, आपके बेटे को होश आ गया। कार्तिक, बेटा कार्तिक। बेटा, मेरी बेटी ठीक है, अपनी आंखें खोलो। क्यों बेटा, ऐसा क्यों किया तुमने? सुनो बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाला हूँ। आज के बाद ये सब करने के बजाय मन लगा के पढ़ाई करो और अच्छा मुकाम हासिल करो। शादी करवाना हमारी जिम्मेदारी है। क्या सर, आप कुछ बोलिए ना। पहले इसकी तबीयत को अच्छी हो जाने दो, फिर देखते हैं। ठीक है। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग आंटी। कार्तिक पढ़ाई कर रहा है? वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, सो रहा है वो। एग्जाम के लिए बस एक वीक ही बचा है, आप जाकर उसे उठाइए प्लीज। अरे, उसे जगाने जाऊंगी तो मेरा गला ही खराब हो जाएगा। मुझे उससे बात करनी है, आप उसको फोन दीजिए। मैं यहाँ रह के उसे जगा नहीं पा रही हूँ और तुम वहाँ से जगाने की सोच रही हो। रुको, उसे देती हूँ। कार्तिक, लो महालक्ष्मी से बात करो। बात करो। हेलो। मेरी जान, अच्छे से सो रहे हो क्या? बोलो। लगता है मेरी जान को गहरी नींद आ रही है। स्टुपिड इडियट नॉनसेंस, आलसी बेवकूफ गधे कहीं के, एग्जाम सर पर है और तुम सो रहे हो। मैं उठ गया, उठ गया। एनी एनिमल, यस सर, यस सर, 3 bed 4, 1 for my master, 1 for my। वेरी गुड, ये लो। अंकल, वावा वावा। एक मार डालूंगा, जाओ यहाँ से। जिस दिन धूप ना हो उस दिन वो नहीं 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 वो नहीं। देखो, क्या था वो? लाइफ में तुम पढ़ लिख कर कुछ अच्छे बन जाओगे, ये मैंने अपने पापा से प्रॉमिस किया है। अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए तो हमारे प्यार को भूल जाना, समझे? ये लो। हेलो। पुराने शहर की इस छत पर पूरे चांद की याद आ रही है। वर्षों पहले की जंगल की एक रात, जब चांद के नीचे जंगल पुकार रहे थे, जंगल को, और 12 सिंगे पीछे छूट गए। 12 सिंगों को निर्जन मोड़ पर ऊंची झाड़ियों में ओझल होते हुए। कैसी हो बेटी? इसने बुक में नहीं देखा, याद किया है। अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटी, रखूं क्या? ओके आंटी, बाय। ठीक है बेटी। सिक्स से लेकर 12th तक हम सब साथ में पढ़े हैं, लेकिन अभी जो हम बिछड़ रहे हैं ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है।
जहाँ भी रहो हमें भूलना मत. ओके. सी यू बाय 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 बाय. चलो. हाँ चलो ना. क्या बात है महा, बहुत देर हो गई. अपने सारे फ्रेंड्स से मिलकर आ गई. ए, तुम आज बहुत उदास लग रही हो, आखिर बात क्या है? सारे फ्रेंड्स बिछड़ रहे हैं ना, इसीलिए सब लोग जाते हुए काफी सैड फील कर रहे थे. ओके. ए, मुझे गले नहीं लगाया. गले लगाती हूँ लेकिन बिछड़ जाएंगे, चलेगा क्या? अरे रे, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ यहाँ से. ठीक है कार्तिक, रुक जा, इसमें एक ऑटोग्राफ दो ना. ए, तुम पागल हो क्या? ये बिछड़ने वाले लोग करते हैं. अरे यार नहीं चाहिए, जाओ. ए, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा थी ना, मैं देता हूँ. अरे दो ना. नहीं चाहिए. अरे दो. तुम लिखोगे तो भी मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ, समझे? मैंने जो ऑटोग्राफ दिया है अगर वो देखेगी तो फिदा हो जाएगी. ये लो पकड़ो. बाय. मेरी बेटी की क्लोज फ्रेंड तुम ही हो ना बेटी? हमारे दिल्ली जाने के बाद वो तुम्हें तो कॉल पक्का करेगी. और अभी जो हम दिल्ली जा रहे हैं ना, इस बारे में कार्तिक को बिल्कुल भी मत बताना बेटी. मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ. अरे अंकल प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, डोंट वरी. ठीक है बेटी. ए हाँ यार, कैसा है? ए गणेश परिमल, तूने तो बिना पढ़ाई किए ही एग्जाम पास कर ली. हाँ, हमारे ग्रुप के लिए गर्व की बात है. कैसे किया यार? ऐसा कुछ नहीं है यार, गजनी का इतिहास लिखने की जगह मैंने रजनीकांत का इतिहास लिख दिया. जहाँ 10 पन्ने लिखने थे मैंने 12 पन्ने लिख दिए थे. जिस भी मास्टर ने पेपर चेक किया होगा ना, वो मास्टर भी रजनी का फैन होगा. इसलिए तो मस्त पास हो गया मैं. सुपर यार. बच्चों लोग, तुम लोग पास हो गए. हाँ सर, थैंक यू सर. रखो बेटा, तुम्हें भी बेटा, तुम्हें भी लगे रहो. हाँ सर. क्यों, तू भी पास हो गया? गुड गुड गुड. बाय सर. गोवा जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, ऐसे मास्टर जी हैं हमारे और हम उनके सामने पास हो गए. इसके लिए हमें खुद को क्या करना चाहिए? चलो. सुमती, पापा का दिल्ली ट्रांसफर हो गया है, आज जाना है अचानक, मुझे अभी पता चला है. क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. 2 दिन से उसके घर का लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ का भी लैंडलाइन काम नहीं कर रहा है. इसलिए मैंने अंकल को बोलकर कंफर्म कर दिया, लेकिन अब तक उसने मुझे फ़ोन नहीं किया है. इसलिए थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, मेरे आसपास क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. एक काम करो ना, इस लेटर में सब कुछ लिख दिया है, ये कैसे भी उसके पास पहुंचा दो ना. ओके. सुमति, भूलना मत प्लीज. ओके. ए गुरु, महा ने मार्कशीट ले ली क्या? वो तो कल ही लेकर चली गई यार. आखिर चल क्या रहा है? कल से उसके घर का फोन काम नहीं कर रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है. तो उसके घर पे जाके देख ले. क्या चाहिए बेटा, बोलो. महा से मिलना है. वो लोग तो खाली करके चले गए. वो लोग कहाँ गए हैं? पता नहीं बेटा, कहाँ गए बताया नहीं. हेलो, नमस्ते जी. हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन जी. ये क्या, कौन सा नंबर लग रहा है ये? हेलो, नमस्ते सर, मैं आदवन बोल रहा हूँ. हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए. सर ये मेरा दिल्ली का नंबर है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? नहीं सर, यहाँ आने के बाद 2 दिन तो वो अपसेट थी, पर अभी ओके है. 2 दिन के बाद वो MBBS की पढ़ाई के लिए रशिया जा रही है. मेरा बेटा भी अपसेट है, इसलिए मैंने तेनी ट्रांसफर करवा लिया है, आज शिफ्ट होकर जा रहे हैं हम लोग. थैंक यू सर. मुझे क्यों थैंक्स बोल रहे हैं, डॉक्टर को थैंक्स बोलना चाहिए. अच्छा आप दिल्ली जा रहे हैं, ऐसा डॉक्टर ने मुझे बताया? हाँ, यहाँ आने के बाद मैंने पहले उनसे ही फोन करके बात की थी. अगर वो हमें आइडिया नहीं देते
तो हम दोनों अपने बच्चों को शायद खो चुके होते। हाँ खैर छोड़िए, आज के बाद सब अच्छा ही होगा। जैसा डॉक्टर ने बताया, टीनेज कांटे पर फंसी हुई साड़ी जैसी होती है, हमें भी एकदम ध्यान से उसको निकालना ही होता है। हम भी तो उस उम्र को पार करके आए ना। हर इंसान के जीवन का पहला प्यार वक्त नहीं भुलाया, सब वक्त पर ही छोड़ना चाहिए। ठीक है सर, मैं तेनी पहुंचते ही अपना नंबर बदल दूंगा, फिर मैं आपको नए नंबर से कॉल करूंगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है। हेलो। हेलो सुमति, कार्तिक आया था क्या? वो तो इस तरफ आया ही नहीं, बस तू ही उसके बारे में इतना सोचती है। वो जरूर आएगा। ठीक है, वो आएगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ, लेकिन उसका भरोसा मत करना। ठीक है यार, बाद में मिलते हैं, बाय। हाय कार्तिक। हाय। एक मिनट सुनो ना, मुझे तुमसे एक बात कहनी है कार्तिक। क्या बात है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हे, मैं ऑलरेडी किसी के साथ बुक हूँ। देखो तुम अपने लायक किसी और लड़की को ढूंढ लेना, बाय। जो तुम्हें ये ऑटोग्राफ दिया है ना, उसे देखकर तुम फिदा हो जाओगी। ए कार्तिक, संभल कर जाना। मैं संभल कर चल रहा हूँ चाचा जी, बुढ़ापे में उम्र में गाड़ी संभाल कर चलाना। जाओ जाओ आप जाओ। स्वामीनाथन का बेटा आ गया, देखो फुल नशे में है। अगर हम उसके हाथ लग गए ना तो हमारी चटनी बना देगा वो, चलो आओ। कौन कैसा बर्बाद हुआ, बस उसको अच्छा रहना चाहिए, बीच रास्ते में इस तरह से तोड़कर डाला, बेवकूफ लोग। कितना पागल लड़का है ये। ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः। ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः। सुनो, मैंने ऐसे कितनी बार मना किया है ना, किसे यहाँ पर नहीं सोना है। मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ जी। हमारे यहाँ पता नहीं किसने जन्म ले लिया। रात भर शराब पीकर घूमना और पूरा दिन सोते रहना, छे, ये हमें छोड़कर कहीं जाता भी नहीं है। सुनिए, खाना तो खा के जाइए। हाँ क्यों नहीं, अब मुझे खाना ही जरूरी है। लोग जब पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या काम करता है, तो उनके सामने मेरा सर झुक जाता है। कैसे बेटे को जन्म दिया तुमने, सब मेरी बदनसीबी है। कहाँ गई है? सिगरेट पीने के लिए पैसे नहीं है।
नौकरी तो करनी नहीं है और अब चोरी भी शुरू कर दी है तूने। क्या माँ, जल्दी जगा नहीं सकती थी, इंटरव्यू के लिए जाना था। ए माँ के साथ नाटक मत किया कर। माँ माँ। अरे बोलो ना, कान से सुनाई दे रहा है। माँ मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। माँ तो जाओ ना, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे माँ इस इंटरव्यू को मैं अटेंड करता हूँ ना, तेरा बेटा मलेशिया जाएगा। तुम मलेशिया जाओ या सिंगापुर जाओ, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे माँ तुम भी अपने पति जैसे ही कर रही हो, मेरा विश्वास नहीं करोगी क्या? तुम पर विश्वास करूं? ऐसा कौन सा काम किया है तुमने? माँ मैं कौन हूँ बोलो। माँ तुम्हारा बेटा हूँ ना माँ। तो क्या करूं बताओ? अगर तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगी तो कौन करेगा माँ? अरे बाप रे, वर्कआउट हो रहा है, विश्वास करो माँ। तुम इस तरह की बातें करके अपनी माँ को बेवकूफ बना रहे हो। जो भी हो मुझे तुझ पे विश्वास है। ओहो, तो लोकेशन अभी चेंज हो गया है। ओके ओके। अरे यार वो हेमा है ना, जरा देख। ये क्या बोल रहा है, गाड़ी रोक। अरे यार तेरी वाली किसी और के साथ जा रही है। अरे यार उसका भाई होगा। ये भाई है या कोई और है? हा? अच्छी तरह देखना, वो टाइट हक करके जा रही है। अरे 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 गाड़ी घुमा, चल चल जल्दी चल, पीछा कर। अरे ये उसे टच कर रही है। अरे बाप रे बाप, ये क्या देख रहा हूँ मैं, उसे पकड़ना पड़ेगा। अरे देख तो यार उसको। ए यार क्या चल रहा है ये। ए रुक, ये क्या है माँ, तूने मुझे धोखा दिया ना? क्या है? ए क्या है, उससे पूछा है। देखो भैया मैंने बोला था आप और मैं एक नहीं हो सकते हैं। ये तो भैया बोल रही है भाई। ए छोड़ यार, ए तू नीचे उतर। देखो मैं पुलिस को फोन करूंगी। क्यों, मिलिट्री को बुला ना। तुम जैसे लोगों की वजह से लोग ब्रेकअप कर लेते हैं और ब्रेकअप करने के बाद जो खर्चा लड़के ने किया है वो ब्याज के साथ वापस देना होता है। अरे भाई मैंने इसके कुत्ते के लिए भी खर्च किया है। तुम लोग बहुत ज्यादा ही कर रहे हो। ए मार डालूंगा, नीचे उतर। छी, तुम स्वामीनाथन के बेटे हो ना, तुम्हारे पापा कितने अच्छे इंसान है और तुम इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हो। कुछ अता पता है नहीं और आ जाते पंचायत करने। जाओ यहाँ से, जाओ। सुनो बेटा तुम निकलो यहाँ से। ए तू छोड़ यार, छोड़ छोड़, जाने दे जाने दे, छोड़। ये लोग कब सुधरेंगे पता नहीं यार। ये लड़कियाँ और शराब हमें गिरा ही देती हैं भाई। बेटी जब से हम ट्रांसफर होके यहाँ आए हैं राजेश सर अलायंस के बारे में फोन किए जा रहे हैं, क्या जवाब देना उनको? मैंने कार्तिक को देख लिया पापा। इतने सालों से तो तुमने उसको याद नहीं किया था, अब फिर से तुम शुरू हो गई। तुम पागल हो क्या? मन कोई पत्थर है जो आसानी से भूल जाए? तुम्हारे दिल में क्या है बेटी? मैंने उसे देख लिया पापा लेकिन बात नहीं की। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वही चाहिए तो तुम्हारा फैसला मेरा फैसला होगा, ठीक है बेटा? थैंक्स पापा। ये क्या, इसके सामने आप मुझे पागल बोल रहे थे? अरे पागल कहीं की, 13 साल से लेकर 19 साल तक के माता पिता को बहुत ध्यान से चलना होता है, उसके बाद खुद बच्चों को सारा ज्ञान हो जाता है। तुम्हारी बेटी अब समझदार हो चुकी है, उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। ये गाड़ी क्यों रोक दी? कल मेरे साथ एक लड़के ने सीन किया था ना। हाँ। वही है वो। तो चला जा, आज फैसला कर देते हैं। ए, ये कौन सा एरिया है? क्यों, उस दिन बहुत सीन क्रिएट कर रहा था ना, अब करके दिखा। कुछ पूछ रहा हूँ ना मैं बता नहीं सकता,
तेरे इतनी चर्बी चढ़ी है क्या? हाँ? तू इतना बड़ा आदमी है क्या? वहाँ लगता है कुछ लफड़ा हो रहा है, गाड़ी रोको, देखता हूँ। कौन सा गांव है तुम्हारा? हमारा गांव कौन सा? मैं पूछ रहा हूँ ना, तेरे गांव से। क्या बच्चे लोग, चार बड़े लोग यहाँ बैठकर बात करते हैं, ऐसी जगह तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, ये अच्छा लग रहा है क्या? जाओ यहाँ से। क्या प्रॉब्लम है यहाँ? कुछ भी नहीं सर। अरे तुम चुप करो, सर इन लोगों को लेके जाइए यहाँ से। हवलदार इसको गाड़ी में बिठाओ। ए चल बे। ए तुझे अलग से बोलना होगा क्या? चल यहाँ से। महा ए इसे गाड़ी में बिठाओ। जी सर। चल गाड़ी के अंदर बैठ। अरे चलना, देख क्या रहा, बैठना। अरे बोला ना बैठ। स्वामीनाथ के बेटे को देखा क्या तुमने? लगता है आज इसने फिर से कोई लफड़ा किया है। स्वामीनाथ का बेटा आवारा हो चुका है। महा चलो ना जल्दी। हाँ चल रही हूँ। हेलो। हाँ बोलो पद्मा। आंटी आपके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है। पता नहीं आंटी, अंकल को फोन कीजिए। मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ। ए तू उस लड़के को कैसे जानती? वो मेरे पड़ोस में रहता है, हमेशा उसकी माँ उसकी वजह से रोती रहती है, बेचारी उसकी माँ। भाई नमस्ते। अरे भाई आओ कार्तिक बैठो। कल पार्टी मीटिंग थी तो आ नहीं पाया। कोई बात नहीं भाई। इंस्पेक्टर ने कुछ बोला क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपके फोन करते ही मुझसे लिखवा कर छोड़ दिया। अच्छा तो ठीक है। भाई और कुछ चाहिए क्या? सुनो एक ग्लास और लेकर आओ। जी भाई। अरे हे, इसमें पानी मिक्स नहीं था। शराब पीने से हैंगओवर होता है, लड़की का नशा हो तो हैंगिंग। सुपर मेरे भाई। लड़कों को शराब बिगाड़ती है ये तो पता नहीं, पर लड़कियां बिगाड़ती हैं। भाई किसी एक लड़की ने धोखा दिया इसका मतलब सारी लड़कियां खराब नहीं होती है। मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो मेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार है। मेरे भाई उस उम्र में समझदारी नहीं होती, अब तो ठेंगा भी नहीं देगी। सुनो चाचा मुझे गुस्सा मत दिला। तू तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा। मैंने बोला ना थोबड़ा तोड़ दूंगा। शराब पीते हैं मजा करने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ भैया। हाँ भैया। तो फिर निकाल ना अपने जॉली को। नमस्ते भाई। नमस्ते। यहाँ डॉक्टर महा? हाँ है, उनसे मिलना है मुझे, थोड़ा काम है। अभी नहीं है, वो अपनी ड्यूटी करके गए। ऐसा है क्या? उनका फोन नंबर है क्या आपके पास? जी है। दे सकते हैं क्या? नोट करिए। बोलिए ना। 9595 8585 484 8482 8 6 6 66। ओके भाई, थैंक यू। बाप रे वो यही आ रही है। महा कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। ए महा मैं कार्तिक हूँ। महा तो क्या हुआ? मुझे भूल गई क्या? क्या भूल गई, याद हो ऐसा पूछ रहे हो? तुमने पूछा ना कैसी हो, मैंने बता दिया। क्या हुआ इसको, क्यों इस तरह से बातें करके जा रही है? ये मुझसे नाराज है या फिर इसने मुझे छोड़ दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों जी, तुम्हारा बेटा ऐसे बैठा जैसा उसका जहाज डूब गया है। पता नहीं क्या बात है जी, बेचारे ने सुबह से एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला। बस हो गया, बहुत अच्छे बेटे को जन्म दिया है ना, जाओ जाकर खाना लगाओ। कार्तिक टीवी ऑफ करके खाना खाने आ जाओ। हाँ बहुत था खार के बैठा जो उससे तुम बुला रही हो, खाना लगाओ यार। सुनिए जी, कुछ ही दिनों में मालती के बेटे की शादी है, शादी का कार्ड देकर गए हैं। लड़की कौन है? लड़की रिश्तेदार की है, जोर जबरदस्ती करके रिश्ता पक्का कर दिया होगा। हाँ अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, ऐसे छोड़ देंगे क्या? पहचान वालों में रिश्ते की बात करते हैं तो
वो बोलते हैं हम अपनी बेटी तुम्हें देने के बजाय कुएं में ढकेल देंगे। कैसे बेटे को जन्म दिया है? कार्तिक, टीवी बंद करके खाना खाने आओगे या नहीं? रिमोट के ऊपर अपना गुस्सा मत दिखा रहे। दूसरे लड़कों को दुनिया में देखता हूँ तो पेट में आग लग जाती है। इनके पेट में आग जल रही है, पानी दो। यही सब सुनने के लिए जिंदा बैठा हूँ ना मैं? क्या नसीब है मेरा। कार्तिक, क्यों इस तरह से माँ बाप को परेशान करता है? आखिर हमने क्या बिगाड़ा है तेरा? अरे मेरी माँ, मैं अब से नौकरी पे जा रहा हूँ। हे भगवान, तू इसको अच्छा रास्ता दिखा। आप जाइए, मैं आती हूँ। डॉक्टर। बोलो सुमति। कार्तिक से मिले क्या महा? हाँ, मैंने उसको देखा। अब जाकर मुझे चैन मिला। तुम दोनों को अलग करने का बहुत गिल्ट फील हो रहा था मुझे। अच्छा है जो तूने उससे बात कर लिया। नहीं, मैंने बस उसको देखा। क्यों, उसको देखकर बात क्यों नहीं की? उसकी शादी हो गई है क्या? वो सब मुझे पता नहीं सुमति, पसंद नहीं आया, बात नहीं की। ये सब क्या बोल रही हो? तुम उससे मिलना चाहती थी इसीलिए तो गई थी ना? सुमति, मैं भी ड्यूटी पर हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। महालक्ष्मी प्लीज एक मिनट सुन तो लो मैं क्या बोल रही हूँ। उसने लाइफ में कोई स्टडी ही नहीं की है सुमति। मुझे लाइफ चाहिए या लव, बहुत कंफ्यूजन में हूँ। मैं बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा ओके। हाय महा। हाय, आओ ना। बैठ जाओ। ओके। बोलो कार्तिक। क्या बात है? तुमसे अकेले में बात करनी थी। अकेले में बात करने जैसा ऐसा क्या है? हाय मुकेश। हाय। अंदर आओ ना। कौन है ये? आज से पहले इसको कभी देखा नहीं, नया है क्या? आइए मुकेश। माँ। हाँ मुकेश आया, बाहर आओ ना। ठीक है आती हूँ। आर यू फ्री टुडे? या आई हैव रिजाइन माय जॉब। व्हाई? 1,00,000 सैलरी की जॉब मिली है मुझे। oh. अगले महीने से ज्वाइन करना। हेलो मुकेश, बहुत दिन के बाद आए तुम। हाय आंटी। जूस पियो। थैंक यू आंटी, आते वक्त मैं जूस पी कर आया था। मुकेश, अगर आपने हमारे घर जूस नहीं पिया तो हम आपके घर नहीं आएंगे। ठीक है? कार्तिक तुम भी लो ना। कार्तिक तुम क्या नौकरी कर रहे हो बेटा? आंटी मैं अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। लड़की ढूंढने की उम्र में नौकरी ढूंढ रहे हो? आता हूँ आंटी। क्या बात है, इतनी जल्दी जा रहे हो? कल आता हूँ। मुकेश, आज यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा okay, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। तुम बातें करो, मैं किचन में जा रही हूँ। बोलो कार्तिक, क्या बात है? क्या माँ, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह अजनबी जैसे बर्ताव क्यों कर रही हो? कितने दिनों बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ। मैं हर पल तुम्हारे बारे में चिंतित था। तुम कहाँ हो, कैसी हो, मैं इस बात को लेकर परेशान था। लेकिन अभी तुम जैसे बिहेव कर रही हो उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊं। माँ दरवाजा खुला है, जरा देखो। नंबर तो सही डायल किया है, सुबह से स्विच ऑफ बता रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप पे बात करके देखता हूँ। चलो चलो आ जाओ, उतारो। चलो चलो आ जाओ आराम से। बस बस चलो चलो ले आओ।
आराम से, आराम से, आराम से, चलो, आराम से। हाँ, चलो। हाँ, चलो, चलो, चलो। क्या हुआ रे, इतनी देर क्यों कर दी? कॉलेज के रोड पर बहुत ट्रैफिक था भाई। क्या हुआ? लव मैटर में एक लड़के ने लड़की को चाकू मार दिया। अरे रे, ओ माय गॉड, अब बैठे बैठे तुम्हें क्या हो गया भाई? अरे चाचा, ये सब अलग फीलिंग है यार। तुम मेरे इस लव मूड को बिगाड़े बिना अपना काम करो। 2G, 3G, 4G में प्यार इतना तकलीफ दे रहा है, और अगर 5G, 6G आ गया तो तुम प्यार करने वालों का क्या होगा? बताओ आखिर क्या हुआ? हम लोग कॉलेज खत्म करके आ रहे थे, आते समय हम लोग बातें कर रहे थे आपस में, हमने उन दोनों को देखा कि वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, फिर अचानक से उस लड़के ने लड़की को चाकू मार दिया। फिर हम लोगों ने उस लड़के को पकड़ा और उसे बहुत मारा, और लड़की को एम्बुलेंस में चढ़ाकर उसे हॉस्पिटल भेज दिया। कांस्टेबल, यहाँ से क्राउड हटाओ। ए, सब लोग यहाँ से जाओ, यहाँ पर कोई मत रुको, जाओ जाओ चलो। हेलो डॉक्टर। हेलो सर। वो लड़की अभी कैसी है? वो लड़की आते समय ही मर चुकी थी, इसलिए उसे बचा नहीं पाए। आप जो फॉर्मेलिटीज करना चाहते हैं वो की। ओके, थैंक यू। चलो। अरे यार, रिंग तो जा रही है। हेलो। हेलो महा, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। हे भगवान, सुनिए जी, आप क्यों छोड़ के चले गए मुझे? हे भगवान, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? क्यों अकेला छोड़ दिया मुझे इस दुनिया में? बताओ क्यों छोड़ दिया मुझे अकेला? क्यों? महा, तुम लाइन पर हो कि नहीं? हेलो। यार ये फोन कट कर रही है। ठीक है, व्हाट्सएप पे ही मैसेज डालता हूँ। महा, तुम मुझसे सीधी मुंह बात नहीं कर रही थी, इस वजह से मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन तुम्हारे व्हाट्सएप डीपी में मेरा ऑटोग्राफ देखकर मैं खुश हो गया। तुम्हारा गुस्सा मुझे समझ में आ रहा है। जब फ्री रहोगी तब मुझे कॉल करना, ठीक है ना? अरे यार, ये तो ऑनलाइन आ गई। ये क्या, इसने डीपी बदल दी? दूसरे के ऊपर जो प्यार हम रखते हैं वो तुम्हें मार डालेगा? ये कंफ्यूज कर रही है यार। हाय। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं आपको ही बुला रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा रुको महा। क्या हुआ तुम्हें? तुम पागल हो या मैं पागल हूँ? क्यों इस तरह कर रही हो? हाँ बेटा। महा छत पर है। छत पर है। थैंक यू। ऐसे सब कुछ नहीं है। पद्मा, मैं बाद में बात करती हूँ। महा एक मिनट प्लीज। महा, क्यों तुम इस तरह से कर रही हो? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? हेलो, अभी क्या चाहिए तुम्हें? हाँ? मुझे बस तुम चाहिए। मिस्टर कार्तिक, पहले हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सिर्फ अट्रैक्शन था, उसको दिल में रखकर ये सब करना टू मच नहीं लग रहा क्या? बताओ जरा। क्या बचपन, जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे तब मुंह में अंगूठा लेकर घूम रही थी क्या, या इस खिलौने से मेरे साथ माँ बाप का खेल खेल रही थी? बताओ मुझे। जान देकर प्यार कर रहा था। मेरे हिसाब से प्यार से, लव से ज्यादा लाइफ इम्पोर्टेंट है। तुम क्या सोच रही हो मुझे अच्छी तरह पता है, अभी तक मैं वेस्ट ही हूँ, मेरा विश्वास करो, लेकिन आज के बाद मैं लाइफ में अच्छा रहूंगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊं तुम्हें? नई नई शादी की ये पति पत्नी मंदिर गए थे, वहाँ पत्नी के पैर में जब पत्थर लगा तो पति ने उस पत्थर से पूछा कि ये शनि पत्थर टकराने के लिए तुम्हें मेरी बीवी का ही पैर मिला? अगले साल वही पति पत्नी जब मंदिर गए और वही पत्थर पत्नी के पैर में लगा तो पति ने पत्नी से कहा, ए पनौती, देख कर नहीं चल सकती क्या? यही है मर्दों की साइकोलॉजी। ये प्यार में हाथी घोड़े जैसे डायलॉग पर मैं विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लड़की को
हासिल करने के लिए हिमालय पर्वत को उठाकर लाने की बातें करते हैं, लेकिन जब वो मिल जाती है तो पास में रखा गिलास भी उठाकर लाकर नहीं दे सकते। मेरे बारे में तुम्हें अच्छी तरह से पता है, जानने के बाद भी प्लीज मेरे प्यार पर शक मत किया करो। हेलो कार्तिक, प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, अभी ये प्यार सिर्फ टाइम पास है, जब तक साथ है सब कुछ सेट है, अगर मैरिज नहीं हुई तो बाय बोलकर निकल जाओ। बोलकर निकल जाओ, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी? तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता, समझे? आखिर क्यों? जरा सोच कर देखो, शादी के कार्ड पे मेरे नाम के आगे MBBS लिखा होगा और तुम्हारे नाम के आगे क्या? मैं भी BA हिस्ट्री में हूँ महा। ठीक है, BA रख लो, लेकिन BA और MBBS का कोई मैच नहीं है। जब पढ़ाई में ही मैच नहीं हो रहा तो हमारी लाइफ कैसे मैच होगी? तुम जो सोच रही हो ना, वो पढ़ाई, स्टेटस, कार, बंगला तुम्हारी लाइफ में शोहरत दे सकता है लेकिन तुम्हारी लाइफ में खुशी भी है, उस खुशी को भूल गई हो। वो खुशी तुम्हें वही दे सकता है जो तुमसे सच्चा प्यार करता हो। इसके बाद भी अगर तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं यहाँ से कुछ जाऊँगा। हेलो, हाँ मम्मा, आते वक्त मटन बिरयानी। ओके ठीक है। अंकल ये मेरा खिलौना है। ओके बेटा। हाँ मम्मा, आते वक्त मैं लेते हुए आऊंगी। मटन बिरयानी। कार्तिक, मैंने अपना फैसला बता दिया है, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, मैं जा रही हूँ, चलो बाय। माँ, जा रही हो क्या? जाओ, लेकिन आज के बाद अगर तुम चाहोगी भी ना तब भी मुझे देख नहीं पाओगी। अरे यार कार्तिक, तुमने ऐसा किया क्यों? जब मैं आ रहा था तो तुम्हारे माँ बाप से मिल के आया था, वो बहुत दुखी थे यार। क्या यार, प्यार के लिए तू छत से कूदा, ये फेसबुक पे डाल दिया, लोग तुझे बहुत सारी गालियां दे रहे हैं। वहीं अगर तू शराब की दुकान बंद करवाने के लिए कूदता तो हजारों लाइक्स मिलते। अगर तूने फिल्मी डायलॉग बोला होता ना कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, तो पता है लोग तुझे क्या समझेंगे? पागल समझेंगे लोग। सुबह ब्रेकअप हुआ ना, शाम को दूसरी को पिकअप करने निकल जाओ। हाँ मुझे ही देख ले, आज हेमा कल लक्ष्मी। ए, इस चाचा की बात सुन ले, लड़का और लड़की को बराबर का दर्जा देने वाला ये भारत, अगर आज की लड़कियों को देख लेते ना तो वो कहीं पर जाकर अपना मुंह छुपा लेते, क्योंकि आज की लड़कियों में इतना घमंड जो है, और उसके अलावा तेरी वाली में तो उनसे भी ज्यादा है यार, भूल जाओ उसे। भूलने की बात जुबान से आसानी से बोल सकते चाचा जी, लेकिन सच्चा प्यार करने वाले को हर किसी को उस दर्द का एहसास होगा, कितना भी बड़ा दर्द क्यों ना हो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन ये प्यार का दर्द जो होता है ना, वो बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा जख्म है जो कभी नहीं मरता चाचा। रो मत कार्तिक, रो मत। इतना सारा खून पानी की तरफ बहा रहे हो। भाई आज के जमाने में कोई पानी वेस्ट नहीं करता है, और तुम इस तरह खून को वेस्ट कर रहे हो भाई। उसने मुझे धोखा दे दिया बॉस, उसने मुझे धोखा दे दिया, वो किसी और के साथ ऐसे ही रहा तो सेप्टिक हो जाएगा भाई। क्या भाई, प्यार में तो ऐसा होता ही रहता है, अब उसके लिए तुम ऐसा करोगे? लड़कियां ऐसी ही होती हैं ब्रो, दुनिया में नहीं है बॉस सच्चा। रो मत, वो मुझे धोखा दे, आज से तुम मेरे दोस्त हो ब्रो। अरे अरे कार्तिक, कार्तिक ये क्या कर रहे हो बेटे तुम? अरे कार्तिक, कार्तिक ये सब क्या कर रहे थे तुम बेटा? तुम्हारी माँ तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करती है, एक बार भी सोचा तुमने? क्यों बेटा तुम ये सब क्यों कर रहे थे, बताओ ना, बोलो। मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ माँ। मैंने तुम्हें फोन करके क्यों बुलाया पता है? जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई, इसलिए मेरी भी गलती है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया, और मुझे विश्वास है कि मैंने जो फैसला लिया है वो तुम्हें भी पसंद आएगा। वो क्या है
ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, आज से 10 दिन बाद मैं तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे पास आती हूँ। उसके बाद तुम कौन और मैं कौन, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। उसके बाद तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, समझे तुम? तुम अपने दिल में क्या सोच रहे हो मुझे अच्छी तरह पता है। मैं इतनी गिरी हुई लड़की नहीं हूँ, I'm virgin, मेरा मतलब मैं सिंगल हूँ ये कह रही हूँ। हेलो, तुम्हारा फैसला क्या है? क्या ओके है क्या? क्या ब्रो, लगता है कि तुमने आज कुछ ज्यादा ही पी लिया है। मैंने एक फैसला लिया है। क्या ब्रो, कल से शराब नहीं पीना है क्या? मैं खून करने वाला हूँ ब्रो। खून करने वाले हो, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है ब्रो, ऐसे लोगों को अगर छोड़ देंगे तो इस दुनिया में प्यार नहीं रहेगा, मिट जाएगा प्यार। दुखी मत हो ब्रो, उन लोगों को मारना है ब्रो, उसे खत्म करना है। उसे खत्म करने से पहले इसे खत्म करते हैं। ये लो पियो। चीयर्स ब्रो। ऐसे लोगों को मार देना चाहिए बॉस, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ देंगे ना तो प्यार नहीं रहेगा, खत्म करना है बॉस, खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है। ब्रो, उसे खत्म करना है ब्रो। उसका खून करना है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्या ब्रो, तुमने मेरी भी शराब पी ली? उसका खून करना है ब्रो, उसका। गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग बॉस। ये अपना ही घर है, वहां पे जाके अपना मुंह धो के आओ। आओ बैठो, मसाला लेमन टी पियो, रात का हैंगओवर उतारने की सबसे अच्छी दवा है, ये लो। ब्रो मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, दिखाता हूँ। ये बिल्कुल तुम्हारा ही कॉन्सेप्ट है, इसे देखकर अपना फीडबैक बताना। ये देखो। प्यार एकदम पवित्र है। फिर तुमने अपनी प्रेमिका को क्यों मारा? उसने मुझे धोखा दिया, मैंने उसे मार दिया। तो इससे तुम्हारा प्यार पवित्र हो गया क्या? बताओ सरवण। अरे सेल्वी, तुम जी नहीं पाई, मैंने जल्दबाजी में तुम्हें मार दिया, ऐसा काम किया। अगर मेरी एक आंख गई तो उसकी दोनों आंखें जानी चाहिए, ये सोचना प्यार नहीं है। जीना नहीं है, कहने वालों के सामने जीना चाहिए। मुझे लगता है मैंने वो मिस कर दिया यार, उसकी आंखों में एक बूंद भी आंसू ना आए, उसका ख्याल रखना प्यार कहलाता है। इस नरक का अनुभव तुम लोग मत करना, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कोई भी ऐसी गलती मत करना। मेरी इस गलती की वजह से मेरी जिंदगी खत्म हो गई, आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर। बाकी के लवर्स को क्या संदेश देना चाहते हो? सामने जी कर दिखाओ। लव में फेल हो गए तो उससे बदला लेना है, इस विचार को छोड़कर जिंदगी में जीतो, तभी आपका प्यार जीतेगा। ब्रो बैठ जाओ ब्रो, पूरा देखकर अपना ओपिनियन बताओ प्लीज। प्यार करना गलत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बात मेरे बेटे ने गलती कर दी। अरे बर्नी, तूने ऐसा क्यों किया बेटा बर्नी? इस माँ के बारे में तूने एक बार भी नहीं सोचा, ऐसा कर दिया बर्नी। एक लड़की के लिए तू अपनी माँ को ही भूल गया बेटा। तूने अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और ऐसा कर दिया। तुझे प्यार करने वाली माँ के बारे में भी नहीं सोचा, ये क्या कर दिया तूने? ब्रो तुम्हें फील हो रहा है ना,
सुपर ब्रो, मेरा शॉर्ट फिल्म हिट है, बहुत ही जल्दी सोशल मीडिया में वायरल होने वाला है। यस ब्रो, तुमने कैसा फील किया ये बताया नहीं। मुझे पता था ब्रो कि तुम इधर ही मिलोगे। देखा कैसे मुझे पता चल गया। बॉस, अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, डिस्टर्ब किए बिना यहाँ से चले जाओ। इस शॉर्ट फिल्म की तरह एक फीचर फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ, तुमने अपनी ओपिनियन बताई नहीं ब्रो। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाइए ब्रो। इस बार से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी और इसी बार में अगर खत्म हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जाते जाते मैं तुमसे एक बात कह के जाऊंगा। हाथ आगे करो। अरे जाओ बॉस। अरे आगे करो ब्रो, ये पकड़ो ब्रो। क्यों ब्रो, इस बोतल को उठाना मुश्किल है क्या? इसे एक घंटे तक उठाकर रखना। थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसे उठाकर पूरा दिन घूमना मुश्किल होगा तो क्या। लव फेलियर भी इस बोतल की तरह ही है, उठा के घूमेंगे तो तकलीफ देगा और अगर इसे साइड में उठाकर फेंक देंगे तो फ्री हो जाएंगे। ब्रो मैं बस अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, लव में फेल होने के बाद क्या करते हैं? पूरी तरह से अपने आप को शराब में डुबो देते हैं। इसके अलावा उस लड़की को मारूंगा, एसिड डाल दूंगा कहकर चले जाते हो, ये नहीं हुआ तो सुसाइड कर लेते हो। इसको तुम लव कहते हो ब्रो? इस दुनिया में सबसे घटिया चीज क्या है पता है ब्रो? तुमसे जो प्यार करती है वो लड़की तुम्हें गिरी हुई नजरों से देख कर जाए, या फिर एक अच्छे लड़के को उसने जिंदगी भर के लिए खो दिया ये सोचकर वो अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए तुम्हारी जिंदगी से चली जाए, ये डिसाइड कर लो। गुड बाय ब्रो। माँ। क्या है बेटा, आधी रात को क्यों जगा रहे हो मुझे? जाओ तुम्हारा खाना मैंने मेज पर रख दिया है, खाओ और जाकर सो जाओ। माँ 5 बज गए। माँ क्या कहा, 5 बज चुके हैं? कार्तिक तुम सुबह 5 बजे आकर अपनी माँ को जगा रहे हो? कार्तिक मैं जो देख रही हूँ वो सपना है या सच? माँ कॉफी बना दो ना माँ प्लीज। मेरे लाल मैं अभी लेकर आती हूँ, जाओ। इस दुनिया में सबसे घटिया बात क्या है पता है ब्रो? तुमसे जो प्यार करती है वो लड़की तुम्हें गिरी हुई नजरों से देख कर चली जाए, या फिर इतने अच्छे लड़के को मिस कर दिया ये सोचकर आंखों में आंसू बहाते हुए तुम्हारी जिंदगी से चली जाए। अब तुम्हें क्या चाहिए ये तुम डिसाइड करो। सुनिए जी, अरे सुनिए जी, उठ जाइए अब। क्या हो गया? उधर मेरा बेटा भगवान से प्रार्थना कर रहा है और आप खर्राटे मार के सो रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? हेलो। हेलो बॉस, मैं हूँ। क्या ब्रो इतनी सुबह? बॉस मुझे उसके बिना कैसे भी जीना है। सुपर ब्रो। ब्रो एकदम सरप्राइजिंग लग रहा है ब्रो। लेकिन कैसे क्या करना है? अच्छा तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? बीए हिस्ट्री। उसने क्या पढ़ाई की है? डॉक्टर बॉस। ओ डॉक्टर है तो तुम कलेक्टर बन जाओ ना। बॉस मजाक मत करो बॉस। ब्रो तुम कर सकते हो, नस मांस खून हड्डियां ये सब के बारे में सोचकर अपने आप को इतना गुस्सा दिलाओ ब्रो कि तुम 1 साल के अंदर कलेक्टर बन के दिखाओगे। ब्रो तुम चिंता मत करो ब्रो, मैं तुम्हें रेफरेंस देता हूँ, आज से ही स्टार्ट कर दो। गुड लक ब्रो। ओके बॉस। कार्तिक मैंने तुम्हारी हालत के बारे में सुना, प्यार में हारने वाले शराब पीकर दाढ़ी बढ़ाकर घूमते हैं या खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, अगर ये नहीं कर पाते तो उस लड़की से बदला लेने के लिए उस पर एसिड फेंक देते हैं। ये सब करने के बजाय तूने उस लड़के के सामने जी कर दिखाने की सोची है ना, वहीं तू जीत गया बेटा। हमारे एनआरटी ट्रस्ट के जरिए बहुत सारे लोग आईएएस आईपीएस बने हैं,
इसके जरिए तुम भी आईएएस बन जाओ तो मुझे गर्व होगा और प्यार में हारने वालों के लिए एक सबक भी होगा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। कार्तिक, खाना खा के पढ़ाई करो, खाना खाओ। लो मछली खाओ बेटा। कार्तिक, कार्तिक मछली खाओ बेटा। माँ नहीं, माँ मछली में बहुत सारे कांटे होते हैं। ठीक है रुको, मैं तुम्हें कांटे निकाल कर देती हूँ। ये लो। अच्छा सुनो, थोड़ा सा सालन डाल दो। क्या जी, आप भी इधर, ये तो है, ले लीजिए, शांति से खाइए। ठीक है। क्या रे कार्तिक, आजकल दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? यार तू तो बदल गया है, नौकरी पे जा रहा है। नहीं यार। ठीक है चल, गाड़ी पे बैठ जा। ए, पर कहाँ? आज हमारे चाचा का जन्मदिन है, पार्टी दे रहे हैं, चला जा। ए सॉरी यार, थोड़ा काम है मुझे, मैं जा रहा हूँ। ऐसा क्या बड़ा काम कर रहा है तू? पिछले जन्मदिन पर एक फूल दिया था, तब तूने झगड़ा किया था, अब तो दो फूल है। ये ऐसे ही बोलेगा, इसको गाड़ी पर बैठाओ। चाचा तुम भी क्या? ए, चल बैठ जा, जा। बात मान यार। अरे बैठ यार, आ जा, मुझे जाना यार, मुझे जरूरी काम है। चल मेरी बात सुन यार। चलो चाचा चलो, मुझे जाना है, चलो निकालो, बहुत जरूरी काम है, सुनना। क्या यार, क्या सोच रहा है तू? ए नहीं यार, तुम लोग पियो ना, मैं कंपनी देता हूँ। अरे यार, हमारी फ्रेंडशिप के लिए ही एक पैक तो पीना। अरे वो सब छोड़, ये पकड़, तू पकड़, ये पी। अरे पी ना, पकड़ ले लेना। अरे पकड़, क्या कर रहा है? चीयर्स। चीयर्स। इस दुनिया में सबसे घटिया बात क्या है पता है ब्रो? तुमसे जो प्यार करती है वो लड़की तुम्हें गिरी हुई नजरों से देखकर चली जाए, या फिर इतने अच्छे लड़के को मिस कर दिया ये सोचकर। ए सॉरी यार, सॉरी चाचा। क्या चाचा, कल तक तो इसको शराब कम पड़ती थी, हमसे झगड़ा करता था इसके लिए। साहब आपने जो ट्रांसफर की बात की उससे मन को बहुत तकलीफ हो रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहकर एक साल यहाँ ड्यूटी करना बड़ी बात है, कॉफी पीना है, होटल चलो। ठीक है साहब। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, सुबह सुबह फोन कर रहे हैं। हाँ साहब नमस्ते। मुबारक हो स्वामीनाथ जी। मुबारकबाद देने जैसी क्या बात है साहब जी, आज के बाद आप कलेक्टर के पिता हैं सर। सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपका बेटा आईएएस बन गया है, ये न्यूज़पेपर में आया है, वो देखकर मैंने आपको कॉल किया। हेलो हेलो हेलो। चार लोग जब पूछते थे कि तुम्हारा बेटा क्या करता है तो सर झुकाना पड़ता था। पापा, क्या हुआ पापा? क्या है जी, क्या हुआ है आपको, आप रो क्यों रहे हैं? मैं रो नहीं रहा, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। आप क्या कह रहे हैं जी? तुम्हारा बेटा कलेक्टर हो गया है। मेरा मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। हाँ भाई, आज के बाद तुम कलेक्टर की माँ हो गई। क्या बात है, खाने को तुमने आधे में छोड़ दिया? ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा टेंशन है। टेंशन किस बात की बताओ मुझे? वो क्या है, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देखने गए हैं। उसके लिए तुम क्यों टेंशन ले रही हो? क्या तुम किसी से प्यार करती हो? तुम भी ना, वो लड़का मुझसे मिलना चाहता है, ये टेंशन है। ऐसा कौन है रे? दिखाती हूँ, ये है। ये है सर, अब पहले जैसे नहीं है साहब, अभी आईएएस ट्रेनिंग में है।
ए, एक मिनट रुको, मेरी माँ का कॉल आ रहा है। हेलो माँ। हाँ बोलो माँ। तुम क्या सोच रही हो मुझे पता है, मैं अभी तक वेस्ट हूं, मुझ पर विश्वास करो, आज के बाद लाइफ में मैं अच्छा करूंगा। हेलो माँ। कार्तिक कैसे हो बेटा? माँ मैं अच्छा हूँ। माँ तुम और पापा कैसे हो? हमें किस बात की कमी है, हम दोनों यहाँ बहुत खुश हैं। कार्तिक तुमसे एक बात करनी है बेटा। क्या बात है माँ? पापा के दोस्त एसपी पूरे परिवार के साथ शादी की बात करने आए हैं, उन्हें क्या जवाब देना है पापा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। माँ मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ माँ, अभी इतनी जल्दी भी क्या है माँ शादी के लिए? कुंडली में दिखा रहा है कि इस साल तेरी शादी हो जानी चाहिए, वरना कई साल निकल जाएंगे, और तुम्हारी शादी का कोई और मुहूर्त भी नहीं है ऐसा जोशी कह रहे हैं। कार्तिक तुम्हारी माँ को डर लग रहा है बेटा। अरे माँ शादी की बात छोड़कर कोई और बात करो ना माँ। देखो बेटा कार्तिक वो जोशी जो बोल रहे हैं वो सही सही हो रहा है। माँ अभी आप क्यों दुखी होकर बात कर रही हो माँ? हो सकता है कि तुम्हारे मन में कोई और बात चल रही हो। तू अभी तक उस लड़की को नहीं भूला है क्या? पापा को दो बार हार्ट अटैक आने के बाद जितनी जल्दी हो सके तेरी शादी करवाना चाहते हैं, तू क्या सोच रहा है? कुछ बोल ना कार्तिक। माँ लड़की आपको पसंद आई है ना? मुझे बहुत पसंद है बेटा। आपको पसंद है तो फिर ठीक है माँ, बाय माँ। सोचा था शादी का पहला कार्ड भगवान के चरणों में रखेंगे, लेकिन इस पनौती का चेहरा देखना पड़ रहा है। चलिए उस तरफ चलते हैं। किशोर जब ये चली जाएगी तब प्रार्थना करेंगे। इसकी शक्ल तो देखो। ये एक शक्तिशाली वृक्ष है, आप जो प्रार्थना करेंगे आपकी इच्छा पूरी होगी। ऐसा क्या है पुजारी जी? ठीक है ठीक है ठीक है। सुनिए जी उधर कोई पेपर हो तो दीजिए। पेपर यहाँ कहीं था। हाँ ये लो, अब तुम्हें पेपर की क्या जरूरत पड़ गई? कार्तिक आईएएस पास होना चाहिए। सुनिए जरा इस तरफ आइए। क्या कर रही हो तुम? देखिए ना कार्तिक आईएएस पास होना चाहिए। सुनिए हमारा बेटा आईएएस पास हो जाए, क्या आपने ऐसी पर्ची बनाकर डाली है यहाँ पर? कैसी बात कर रही हो, ये बात तो मुझे इंस्पेक्टर ने फोन करके बताई थी। फिर इस प्रार्थना की पर्ची बनाकर यहाँ पर किसने चढ़ाया होगा? आपने जिसे पनौती कहा ना उसी ने ये प्रार्थना की है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? पत्थर को पता नहीं होता है कि वो भगवान बनने वाला है, उसी तरह आपको भी पता नहीं है कि आपके बेटे को मूर्ति बनाने वाली मूर्तिकार महा है। फौरन से वापस आने के बाद जब उसने आपके बेटे को देखा तो धीरे धीरे उसे संवारने का काम उसने शुरू किया। फौरन से MBBS कंप्लीट करने के बाद महा को पता चला कि उसका प्रेमी उसके प्यार में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, तो उसने अपने प्यार को अपने सीने में ही दफन कर लिया और उसे लायक बनाने की कोशिश में लग गई। ये सब उसी का नतीजा है कि आपका बेटा कलेक्टर बन गया। प्यार सिर्फ एक को प्रभावित नहीं करता है, अपने आस पास रहने वाले सभी को प्रभावित करता है, ऐसा प्यार है महालक्ष्मी का। हेलो 108 डॉक्टर, उनको क्या हुआ है? वो जहाँ गिरे हैं वहाँ पर पेड़ होने की वजह से जान को कोई खतरा नहीं है, जिसे सुधारने की सोच रही हो पूरी तरह से नेगेटिव हो रहा है, इसलिए काउंसलिंग देना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है डॉक्टर। ठीक है तुम जाओ। शादी करके किसी को सुधारना कांच को पत्थर से मारने जैसा होता है, कुछ भी हो सकता है। इस बात को वो अपने दिमाग से हैंडल करने लगी थी। हेलो। हेलो किशोर। बोलो महा। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसको जिंदगी में आगे बढ़ाने की सोच रही हूँ, लेकिन
वो सब नेगेटिव जा रहा है। मेरे लिए आपको ही उनको काउंसलिंग देना होगा। उनके साथ आपको कुछ दिन ट्रैवल करना है। आप मेरी हेल्प करोगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, प्लीज। इस दुनिया में सच्चा प्यार नहीं है, लेकिन तुम जिससे प्यार करती हो वो अच्छे से रहे ऐसा सोच रही हो, सच में तुम ग्रेट हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ये सोचकर मुझे गर्व हो रहा है। एक साइकेट्रिस्ट होने के नाते इट्स अ बिग चैलेंज फॉर मी, लेकिन बार में जाकर शराब पीने की सोचकर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बट आई विल डू फॉर यू महा, ओके बाय। मैंने और महा ने उसका जो काउंसलिंग किया था वो वर्कआउट होना शुरू हो गया था। उसके साथ जी नहीं पाई, लेकिन जिंदगी में उसे जीना है ये उसने फैसला कर लिया था। उसके लिए IAS एकेडमी में सीट दिलवाने वाली भी महा ही है। आज अगर आपका बेटा दिया की तरह जल रहा है तो महालक्ष्मी ही उसकी बाती है, यही सब सच है। सुनिए जी, हमारा भला चाहने वाली को मैंने बहुत गलत समझ लिया। सुनिए जल्दी चलिए, हमें तुरंत उससे मिलना होगा। अब देर मत करिए, चलिए जल्दी आइए। बेटी तू हमारी कुल देवी है, तुझे समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती की। बाय। आंटी क्या कर रहे हैं? बेटी चलो, बेटी घर चले। कहाँ आंटी? अपने घर चलो बेटी, हमारे घर चलोगी? इतना क्या सोच रही हो बेटी, हम लोगों ने फैसला कर लिया, तुम ही हमारे घर की बहू हो। अंकल मुझे उसके साथ जीना है, इसलिए मैंने ये सब किया। वो अच्छी जिंदगी जिए इसलिए मैंने ये सब किया। इतनी खुशी मेरे लिए काफी है। अच्छा जीवन जीने के लिए एक दोस्त चाहिए होता है, लेकिन जिंदगी को जीतने के लिए एक दुश्मन तो चाहिए। उसके लिए मुझे दुश्मन बनकर रहने दीजिए। अरे अरे ये सब मत कहो बेटी, अगर उसको ये सब पता चल गया तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। आप दोनों से मुझे एक हेल्प चाहिए, आप करेंगे क्या? बोलो बेटी, तुम्हारे लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे। ये बात आपके बेटे को मत बताइएगा प्लीज। ये क्या कह रही हो बेटी? मैंने जो ये फैसला किया है वो कभी बदलूंगी नहीं। उसकी शादी अच्छी तरह से होनी चाहिए, आप मेरी कसम खाइए। अरे बेटी ये तुम क्या कर रही हो? माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटी? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम यही सोच रही हो ना कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया? जिंदगी गोल है, ऐसा किसी ने यूं ही नहीं कहा है। उस दिन तुमने डील रखी थी, आज मैं डील रखता हूं। अभी जॉली से घूमने फिरने, पैसे खर्चे करने के लिए प्यार के नाम पर लड़कों की जरूरत पड़ रही है ना? तुमने ही कहा था ना कि प्यार ये सब एक टाइम पास है। सेट हो गया तो मैरिज, अगर सेट नहीं हुआ तो बाय बोलकर निकल जाने का। तुम जैसी लड़कियों को इस दुनिया से मिटा दूं ऐसा मन कर रहा था मेरा, लेकिन मैंने अपना मन बदल दिया और आज देखो महा, आज मैं तुमसे ऊंचे ओहदे पर हूं। अभी मैंने भी एक फैसला किया है, ये रहा मेरी शादी का कार्ड, पहले तुम्हें ही दे रहा हूं। अगर तुमने ये कार्ड ले लिया तो मैं समझूंगा कि तुम इस शादी के लिए राजी हो। अगर तुमने इस कार्ड को यही छोड़ दिया तो मैं समझूंगा तुम्हें शादी से एतराज है। तुम अभी क्या सोच रही हो ये मुझे पता है, मेरा प्यार वर्जिन है, मेरा प्यार शुद्ध है ये कह रहा हूं। हेलो एक्सक्यूज मी, इस खामोशी का क्या मतलब है? ओम वामाजी स्वाहा, ओम सशाजी स्वाहा, ओम रौद्रै स्वाहा, ओम कायजै स्वाहा। नमस्ते नमस्ते। हेलो किशोर, शादी में जाने के लिए निकल गए? मैं क्यों जाऊं महा? क्या किशोर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक है तुम क्यों नहीं गई? मेरे घर का शिफ्टिंग का काम हो रहा है,
घर तो शिफ्ट कर सकती हो, लेकिन कार्तिक को अपने दिल से कैसे शिफ्ट करोगी? ऐसी कोई फीलिंग मेरे दिल में नहीं है किशोर। फिर तो तुम्हें शादी में जाना चाहिए था। वही मैंने बताया ना, घर की शिफ्टिंग। दोस्त के नाते मुझसे जो हो सका वो मैंने किया। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बस तुम एक बार कह दो, मैं अभी कार्तिक से कहकर इस शादी को रोकता हूँ। एक बार सोच लो। जैसे माँ प्यार के लिए स्वार्थी नहीं हो सकती, वैसा प्यार भी है। वो खुश रहना चाहिए, यही मुझे चाहिए। ओके महा, लेकिन मैं कार्तिक को किसी और लड़की के साथ देख नहीं सकता महा। अगर मैं देखूंगा तो मुझे दुख होगा। ठीक है, अगर तुम्हें फील नहीं हो रहा है तो मेरी जगह पर तुम जाके शादी अटेंड कर लो। किशोर, कितनी बार कहूं कि मेरे घर की शिफ्टिंग है। मैं दोबारा तुमसे वही बात कह रहा हूँ, तुम घर तो शिफ्ट कर सकती हो, लेकिन कार्तिक को अपने मन से शिफ्ट नहीं कर सकती हो। मतलब आप चाहते हो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे शादी में जाना होगा, तभी आप मानोगे? ओके। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? चल रहा है माँ। क्या पूछना चाह रहे हो तुम? माँ, तुम उसे देखकर क्यों रो रही हो? मैं उसे देखकर क्यों रोऊंगी बेटा? उस लड़की ने तुम्हें कितना जलील किया है, इसीलिए खुशी के आंसू बहा रही थी, और कुछ नहीं है। मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, खुशी के आंसू और दुख के आंसू का फर्क मुझे पता है माँ। मैंने ऐसे ही आईएएस के एग्जाम पास किए क्या माँ? झूठ मत बोलो माँ। कार्तिक, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी बेटा? माँ, तुम्हें मेरी कसम। ए, क्या कर रहा है तू? बोलो माँ, क्या हुआ? कार्तिक, मैं क्या बोलूं बेटा, तुम्हें मूर्ति बनाने वाली मूर्तिकार वही है। ये क्या कह रही हो माँ? मंदिर में मैं डॉक्टर से मिली थी, उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी और मैं उससे मिली तो उसने मुझे कसम दिलाई कि मैं तुम्हें कुछ ना बोलूं, असल में सच्चाई तुम्हें नहीं पता है। हमने हमेशा उसे गलत ही समझा। देखो बेटा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करके माला बनाकर भगवान को पहनाई थी, उनके आशीर्वाद से तुम आज इस मकाम पर हो। इसे क्या हुआ? मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने सारी सच्चाई इसे बता दी। सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। गायत्री, तुम भी मुझे माफ कर दो, बस 5 मिनट प्लीज। इस लड़की से मैं बचपन से प्यार करता हूं। अब आप ही बताइए, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? गायत्री, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? एक मिनट पापा, मंदिर को तोड़ना और दो प्यार करने वाले को अलग करना गलत है पापा। यहाँ जो भी हैं, उन सभी का फर्स्ट लव होता है, लेकिन वो प्यार शायद ही शादी तक पहुँचता है। जाने दो पापा, प्लीज उन्हें जीने दो। एक जज होने के नाते मैं कह रहा हूँ बेटी, तुमने जो फैसला लिया ना वो सुपर है। क्या बेटी, जब दुल्हन राजी हो गई है तो तुम खामोश क्यों हो? प्यार में आंखें बंद करके कभी नहीं कूदना चाहिए, और जिसे प्यार किया उसे धोखा नहीं देना चाहिए। तुम दोनों ने अपने प्यार को प्रूफ कर दिया, अब ऐसे खड़े क्यों हो? हम लवर्स हार सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं हार सकता।